पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को 15-20 मिनट रुकने पर मजबूर होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार देती दिखाई पड़ रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर देशव्यापी धरना प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। शुक्रवार शाम पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाते हुए दिल्ली बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। जो पंजाब में हुआ है उसमें कांग्रेस ने अपने इरादों को जाहिर किया है। ये बीजेपी आज परसों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ जो पंजाब में खिलवाड़ किया गया, चूक हुई है और इसके पीछे जो षड्यंत्र, जो पता लगा है कि पंजाब में सूबे में कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के आला नेताओं के इशारों पर, सोनिया जी और राहुल जी के इशारों पर अपनी सीट की खातिर वो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया है, जिसको देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आपको बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर में मोदी को अपनी चुनावी रैली को उस वक्त रद्द करना पड़ गया था जब वो मौसम खराब होने की वजह से सड़क द्वारा रैली स्थल पर जा रहे थे। इसी बीच उनको किसानों द्वारा जाम किए गए रोड की वजह से तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा गया था। रास्ता ना मिलने की वजह से पीएम मोदी के काफिले को वापस लौट जाना पड़ा। तब से ये मामला राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बना हुआ है।